सुनो आकाश। यस मैम। कल जो वर्मा जी की पार्टी है, अब उसमें इंडियन के साथ इटालियन भी होगा। इटालियन? मैम पर इटालियन तैयार कैसे होगा इतनी जल्दी? मैं उससे एक्स्ट्रा पेमेंट ले चुकी हूँ, अब ये मेरी हेडेक नहीं है। पर मैडम, इतने सारे लोगों के लिए मैं खाना कैसे बनाऊंगा एक रात में? पूरी रात लगाओ, सैलरी किस चीज की लेते हो? और अगर रेडी नहीं हुआ ना तो सैलरी में से काट लूंगी। पर मैडम मेरी जी मैम। आकाश, ये निखिल है, आज से इसको काम सिखाना है। आज से इसे काम सिखाओ? पर मैडम, मैंने आपको बताया था मेरे को एक हफ्ते के लिए जाना है घर, मेरे भाई की शादी है। हाँ तो शादी से एक दिन पहले चले जाना, लेकिन अभी इसको काम सिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैडम मैं आके सिखा दूंगा। इसको काम सिखाना अभी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जाओ। मैडम मेरी बात तो सुनिए मैम। लेकर जाओ, बहस मत करो। शिवानी उसके भाई की शादी है, उसने एक महीने से बता रखा है। हाँ तो मैं कौन सा मना कर रही हूँ, शादी से एक दिन पहले चला जाए, और कौन सा इसको हल्दी लगनी है। और वैसे भी जितनी जल्दी वो काम सीखेगा उतना हमारे लिए अच्छा है। वैसे भी आकाश की सैलरी बहुत ज्यादा हो गई है। सस्ते में हेड शेफ मिल रहा है यार। हेड शेफ? व्हाई यू आर गेटिंग इनटू दिस? मैं सब संभाल लूंगी। Yes, ma'am. आकाश, सारा काम सिखा दिया निखिल को? Yes, ma'am. चलो कल से मत आना। क्या? काम पे मत आना मतलब? अब जब तुमने सारा काम निखिल को सिखा ही दिया है तो मैं दो लोगों की सैलरी क्यों दूं? पर मैम आपने बोला था कि वो मेरी मदद करने आए यहाँ पे। हाँ बट अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैडम आप ये गलत कर रहे हो, मैं यहाँ 5 साल से काम करता हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अब तू मुझे बताएगा मैं क्या गलत कर रही हूँ और क्या सही। कल से काम पे मत आना और कहीं और जाके काम ढूंढ, ठीक है? अब जाओ, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? निखिल ये क्या हो रहा है? क्या हुआ मैडम? एक हफ्ते में 20 से ज्यादा कस्टमर की कंप्लेंट्स आ चुकी है, रेटिंग कम हो रही है यार, प्लीज ध्यान रखो। ठीक है मैं ध्यान दूंगा। हेलो मैडम। हाँ बोलो, क्या हुआ? मैडम मैं कल से काम पे नहीं आ पाऊंगा। क्यों? कल से काम पे नहीं आ पाओगे मतलब? मैडम मैं ऐसे काम नहीं कर सकता हूँ, सारा काम मुझे अकेले करना पड़ता है, कोई हाथ बटाने के लिए भी नहीं है, मेरे से नहीं हो पाएगा मैडम अब। तो जो परसों ऑर्डर है इतना बड़ा केटरिंग का, उसका क्या होगा? सॉरी मैडम मैं नहीं आ पाऊंगा। क्या? हेलो हेलो, क्या हुआ शिवानी? पीयूष सब खत्म हो गया, ही इज सेइंग कि मैं कल से काम पर नहीं आऊंगा। व्हाट? हाँ, और परसों इतना बड़ा केटरिंग का ऑर्डर है। अब क्या होगा पीयूष? देखो ये बात मुझे इस टाइम बोलनी तो नहीं चाहिए, बट तुमने जो आकाश के साथ किया वो बहुत गलत था, और ये शायद उसी की वजह से हो रहा है। तुमने कुछ पैसे बचाने के लिए उसको नौकरी से निकाल दिया, वो 5 साल से था शिवानी हमारे साथ। तुम मानो या ना मानो, लेकिन आज हमारा रेस्टोरेंट जहाँ भी है उसमें आकाश का बहुत बड़ा हाथ है। अब इन सब चीजों का क्या फायदा पीयूष? मुझे लगता है कि तुम्हें आकाश से बात करनी चाहिए कि वो वापस आ जाए, शायद वो मान जाए। ठीक है। मैडम आप?
कैसे हो आकाश? ठीक हूँ मैडम। I'm sorry आकाश, I'm really sorry। मैंने जिस लड़के को तुम्हारी जगह रखा था उस लड़के ने मुझे धोखा दे दिया एंड मुझे अब रियलाइज हुआ है कि उस रेस्टोरेंट को तुम्हारी कितनी ज़रूरत है, तुम्हारी क्या वैल्यू है इस रेस्टोरेंट में। कोई बात नहीं मैडम। आकाश क्या तुम प्लीज़ नौकरी पे वापस आ सकते हो? उस रेस्टोरेंट को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। देखिए मैडम, आप माफ़ी मत मांगो, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ इतना ही मेरे लिए बहुत है। और आप चिंता मत करिए, मैं कल से आ जाऊँ। थैंक यू सो मच आकाश। बोलो हैप्पी डेट।